अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इनवेलप डिसोर्स होता क्या है। दरअसल इनवेलप डिसोर्स उस चीज़ को कहा जाता है कि हम अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरह की शेप्स में किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलते हैं सीखने की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसका मैंने फिल ऑफ कर दिया। अब मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट में लिखता हूँ टुगेदर, ठीक है। इसे मैं सिंपल कर देता हूँ। जो हमारा शेप है उसे हम फ्रंट पे ले आएंगे, क्योंकि इनवैलिड रिसोर्स करते वक्त जो आपका टेक्स्ट है वो बैक पे होना चाहिए और आपका शेप फ्रंट पे। इन दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाके मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। तो ये जिस तरह की हमारी शेप थी ये उसमें एडजस्ट हो गया। इसमें हम मुख्तलिफ तरह की शेप्स बना सकते हैं इनवेलप रिसोर्स में। ये देखें, मछली की शेप, फ्लैग की शेप, एक आर्क लोअर। इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल मतलब साइज़ बढ़ाना, वर्टिकल उसका साइज़ बढ़ाना। इस तरह से हम अपनी शेप को अपने टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। उसके लिए मेरे पास एक इमेज है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैं कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया, शिफ्ट के साथ मैं इसे बड़ा करूँगा। याद रखिएगा, जब भी हम शिफ्ट के साथ बड़ा करते हैं तो जो हमारी इमेज है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली इक्वल बड़ी होती है। इस इमेज को मैं लॉक कर दूंगा ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे। और अब मैं पेन टूल की मदद से यहाँ पर एक बनाऊंगा। अच्छा, जब आपका शिफ्ट का बटन ऑन होगा ना, तो इस तरह क्रॉस का निशान बना हुआ आएगा। इससे आप घबराना नहीं, जब भी ऐसा है तो आप अपना शिफ्ट का बटन, कैप्स लुक का बटन ऑफ कीजिएगा तो वापस पेन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक अपनी शेप बनाता हूँ। कोई भी हम शेप बनाएंगे तो जो उसका फर्स्ट ये वाला हिस्सा और लास्ट ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। अगर हम सीधे स्ट्रेट होने चाहिए, अगर हम स्ट्रेट नहीं बनाएंगे तो जो हमारी इमेज है वो राउंड हो जाएगी, कर्व आ जाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जो आपके फ्रंट और लास्ट पे जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो। मैंने शेप बना ली। अब मैं इसे सिलेक्शन टूल के ज़रिए साइड पे करूँगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा, मिर्ची। और सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसे मैं अरेंज करके फ्रंट पे ले आऊँगा। दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट, इनवेलप, मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। ये देखें, मिर्ची बन गया। लेकिन ये देखें थोड़ा सा कर्व में। अब इसे हम कैसे ठीक करेंगे? उसके लिए सिंपल तरीका है, हम मैश टूल लेंगे, अपना पॉइंट ऐड करेंगे और बैक स्पेस से रिमूव पॉइंट। इसी तरह हम करते जाएंगे, हमारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी, टैक्स हमारा बिल्कुल सीधा लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब ये टैक्स बिल्कुल सीधा हो गया है। इसे मैं साइड पे कर दूंगा, अपनी इमेज को दोबारा अनलॉक करूंगा और इसे मैं साइड पर अब डबल क्लिक, और जो मेरा टेक्स्ट है उसे मैं सिलेक्ट करके रेड कलर में कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो भी मैं पेन टूल से ड्रॉ कर लूँगा।
अब जितना ज़्यादा जूम कर सकते हैं जूम करके कोशिश करें, काम करें, काम उतना ज़्यादा सफाई से होगा। इसी तरह इसका ये मैं लास्ट वाला हिस्सा बना लूँगा। हमें सिलेक्शन टूल के ज़रिए इन दोनों को मूव करके यहाँ ले आऊँगा। इन दोनों में कलर ऐड कर लो। आईड्रॉपर टूल के ज़रिए, सिलेक्शन टूल के ज़रिए सेलेक्ट करें और आईड्रॉपर टूल के ज़रिए हम इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ पर रखूँगा और इसे थोड़ा सा शिफ्ट के साथ बड़ा कर दूँगा। इसे भी मैंने शिफ्ट के साथ बड़ा कर दिया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। मेरा मिर्ची रेडी है। अब इसमें ये वाला सर्कल किस तरह से बनाएंगे, हम लाइन में जाएंगे तो हमारे पास स्पायरल टूल है। जैसे ही हम स्पायरल टूल ऐड करेंगे तो इस तरह से हमारे पास बना हुआ आ जाएगा। इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट और इसे वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर दूँगा। ओके, इसे मैं ग्रीन कलर का स्ट्रोक दूँगा और विथ टूल के ज़रिए इसकी मैं विथ को बढ़ा दूंगा। इसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आए, इस तरह से हमारा जो मिर्ची वाला शेप है वो है रेडी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।